हाय बच्चों, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि भरत जी के प्रेम को का वर्णन देवताओं ने भी किया था कि और उन्होंने कहा था कि राम के द्वारा जो भरत के प्रेम को जानने की बात है वो राम से भला कोई अच्छा नहीं जान सकता। उसमें बताया था, उसमें रूपक अलंकार और अनुप्रास और अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग था। अगले चौपाई में सभी देवता भरत के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं, जौ होत जग जन्म भरत को सकल धर्म दुर्धरणी भरत को। इसमें देवता गण कहते हैं कि यदि जग में संसार में भी भरत का जन्म नहीं हुआ होता तो सकल धर्म माने संपूर्ण धर्म की जो धुरी है धर्म धरत को, संपूर्ण धर्म का स्तंभ समाप्त हो चुका होता। धर्म का स्तंभ एक भरत ही है। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, कवियों ने भी भरत के गुण का बखान नहीं लिख सका न कर सका। को जाने तुम बिन रघुनाथ, हे पुरुषोत्तम राम के सिवा भरत के प्रेम की प्रशंसा रघुनाथ के सिवा कोई नहीं जान सकता। लखन राम से सुन सुरबानी, जब इतनी बात जो है देवताओं के द्वारा राम लखन और सीता ने जब देवताओं के द्वारा राम की प्रशंसा जब सुने, अति सुख लखे उन जाय बखानी, तो उन्होंने कहा कि अति सुख लखे उन जाय बखानी, उनको बड़ी अति सुख मिलता है। और कहते हैं कि भरत के प्रेम का, भरत के स्नेह का वर्णन करना बहुत परे है, उनके प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहां भरत सब सहित सहाय, यहां पर सभी भरत सभी सभी जहां भरत के साथ जितने भी लोग अयोध्या से गए हुए हैं, यहां भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनित नहाय। मंदाकिनी नदी के पवित्र तट पर रुक करके सभी लोगों ने स्नान किया और स्नान करने के बाद भरत जी क्या कहते हैं, सरित समीप राख सब लोगा मां विमात गुरु सचिव नियोगा। वहां भरत जी मंदाकिनी पवित्र नदी में स्नान करके और उस सरिता उस मंदाकिनी नदी के तट पर राख सब लोगा, सभी लोगों को रोक कर मां विमात गुरु सचिव नियोगा। वहां जो है मां मने मां मातु मने माता से, गुरु मने गुरु, सचिव मने मंत्रियों से आदेश लेकर के चले भरत जहसी रघुराई सात निषाद नाथ लघु भाई। सभी लोगों को मंदाकिनी तट पे छोड़ करके माता गुरु और मंदिरियों से आज्ञा लेकर के भरत जी चलते हैं कहां, जहां सीता और राम लक्ष्मण हैं। साथ में लेकर किसको चलते हैं, भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को लेते हैं और निषाद राज को लेकर के उनके तरफ जाते हैं जहां राम सीता और लक्ष्मण जी हैं। और रास्ते में पहुंचते हैं, रास्ते में जाते जाते समुझ माप कर्तव्य सब चाहिए, भरत जी अपने माता के द्वारा किए गए कृतज्ञता जो यही सोच रहे हैं भरत जी कि समुझ माप कर्तव्य सब चाहिए करत पुरत तक कोटि मन माही। यह माता अपने कैकई के द्वारा किए गए कर्तव्य को सोच करके अपने मन में बड़ी संकुचित उनका मन होता है और यही कृतक कोटि मन माही, इसी मतलब माता के द्वारा किए गए कृतज्ञता का उनके मन में खोट, मन में उनके मतलब बड़ा मन का द्रवित है। और कह रहे हैं आगे कि राम लखन से सुन मन नाहु उठ जन अनत जाह तरी ठाहु। सोच रहे भरत जी की मेरे आगमन का समाचार कहीं राम लखन और सीता जी ने सुन करके अन्य स्थान को चले जाए, वह स्थान तेज करके छोड़ करके कहीं अन्य स्थान को न चले जाए। आगे दोहे में कहा जा रहा है, मातु मते मोह मानी मोहि जो कछु करही सो थोर। अब यहां भरत जी सोच रहे हैं अपने मन में कि मातु मते मोह मानी मोहि, यदि मेरे बड़े भ्राता राम जी माता को मते
हुए सोच करके यदि जो करते हैं वो मेरे लिए बहुत थोड़ा है। मतलब कहने का आशय है कि कहीं राम जी ये न सोच ले कि भरत ही अपने माता के व्यवहार से कृतज्ञता में मिला हुआ है। यदि इस तरह का सोच करके राम जी मेरे साथ जैसा व्यवहार करेंगे वो मेरे लिए क्या होगा, कम थोड़ा होगा। और अवध अवगुण क्षम आदर है समझ अपनी भूल। यदि मुझे विश्वास है कि इस तरह की बात भी सोच करके मेरी गलतियों को क्षमा करते हुए वो मुझे आदर देंगे, अब समझे अपनी भूल, वह अपनी तरफ अपना भाई समझ करके मुझे अधिक स्नेह देंगे और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि इतना माता के द्वारा किए गए कृतज्ञता को भूल करके मेरे बड़े भाई राम ने अपने हृदय से मुझे लगा लिया। राम जी के प्रति तो सोचते हुए जा रहे हैं अपने माता के द्वारा किए गए कर्तव्य का कि कहीं हमें मेरे भ्राता राम जी मुझे वापस न कर दें, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा स्थान उनके चरण में है और मुझे वह जरूर अपने हृदय से लगा करके मुझे प्रेम करेंगे। और आगे कहते हैं कि जो परिहरन मलिन मन जानी मैं सन्मान सेवक मानी। वो कह रहा है कि मैं यदि राम के पास जाता हूँ तो मेरा मलिन मान करके मेरी माता की तरह, मेरी माता की तरह मेरा मलिन मान करके या तो मुझे तिरस्कार कर दे, मैं सन्मान सेवक, लेकिन मैं मेरा तो स्थान उनके चरण में है क्योंकि उनके हृदय से मैं उनका एक सेवक हूँ। और मोर शरण रामन की पदन, मेरा चरण तो मेरा मन मेरा स्थान तो रामन पनह पनह में जुटी होता है, उनकी समान है, जुटी के समान है। राम सुस्वाम दोष समझा है, लेकिन पुरुषोत्तम मेरे बड़े भाई राम जगत के स्वामी हैं, दोष समझा लू मेरे दोष और गुण को सब जानते हैं। जस जस भागत चातक मीना, जैसे चातक मीना मैंने मछली होता है, नेह प्रेम मेरी मृत्यु रखना, जैसे मछली अपने प्रेम और नेह को लगन को जल में ही समाहित करती है नया जीवन बनाने के लिए होती है, उसी तरह से असमान दुर्ग चले हो जाता है। अपनी माता के द्वारा किए गए कृतज्ञता को सोचते हुए वह मन मन रास्ते में जाते हैं और सोचते हैं सब कुछ सने हैं सिद्धि संग्राता। उनका मन यही सोच कर क्या होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है। फेरत मन मात्र कोई, कभी कभी तो ऐसा होता है राम जी भरत जी के मन में कि माता के द्वारा किए गए कर्तव्य कार्य से घृणित होकर के वापस लौटाने का मन होता है, चरत भक्ति बल धीरज धोरी, लेकिन वो भक्ति के बल पर राम के प्रति जो उनका समर्पण है प्रेम है भक्ति है उसके बल पर वो आगे धीरज को बताते हुए जा रहे हैं। सब समझत रघुनाथ स्वभाव है, लेकिन हर व्यथा को मेरे रघुनाथ तथा राम जी समझते हैं। तब तब पर उतारी पाओ, तब उनका पैर उनके स्वभाव को समझते हैं और इस बात को ध्यान करके भरत जी राम के प्रति समर्पण भाव से जाते हैं। भरत दशा दे अवसर कैसी, यदि भरत दशा दे अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अति गति जैसी, जैसे भरत की दशा को देख करके उस समय अपने मन में इस तरह की भावना को स्वयं भरत ही सोचते हैं, जल प्रवाह जैसे जल का प्रवाह होता है उसी तरह से उनकी गति है, जैसे जल प्रवाहित होता है उसी जल के प्रवाहित की तरह भरत जी अपने मन को भी प्रवाहित की तरह सोच रहे हैं। देख भरत कर सोच स्नेह, यदि मैं उनके समीप जाता हूँ, यदि भरत जी के स्नेह को सोचते हैं भाव निषाद से समझ दे, उनके साथ जो है निषाद राज भी है और निषाद राज भी यही सोच रहे हैं कि हम उनके पास चलेंगे और प्रेम से निषाद राज भी शुद्ध बुद्ध भूल गए हैं उनके प्रेम में और आगे बढ़ते हुए। ये वीडियो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगले वीडियो अगले 2024 आपके बीच हम प्रेस करेंगे। धन्यवाद।